नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिल चुका है। क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो अस्थाई कर्मियों को भी 28 अक्टूबर को मिलेगा मानदेय, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में अस्थाई कर्मियों की दिवाली इस बार फीकी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने अस्थाई कर्मियों को भी 28 अक्टूबर को मानदेय जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद वित्त विभाग ने संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिमला के ढली में विशेष बच्चों के संस्थान के नए भवन के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता आउटसोर्स मल्टीपर्पज वर्करों समेत सरकार के साथ जो भी कर्मी कार्यरत हैं उन्हें 28 को मानदेय मिलेगा। 20 महीने में सरकार ने 2600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसका 30% सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया, शेष ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। 27 वर्ष तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए अगले वित्त वर्ष में नई योजना शुरू की जाएगी। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। सोलन के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें 300 बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में अस्थाई कर्मियों को भी जो है 28 अक्टूबर को मानदेय जारी करने के आदेश दिए गए हैं। तो वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।